नमः शिवाय। आज के जन्मे बच्चे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। ऐसे बच्चों के अंदर गुरु के प्रधान गुण निहित होते हैं। धार्मिक, सबका आदर करना, कुशाग्र बुद्धि वाले और गंभीर होते हैं। इनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन अत्यंत सम्माननीय और सफल होता है। आज आपके अंदर मानसिक उत्साह और काम करने की ऊर्जा भरी हुई रहेगी। हर काम में मन लगेगा। पारिवारिक रूप से सुख संतुष्टि महसूस होगी। व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। कुछ नए काम के लिए प्रयास सफल रहेगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, मगर अपने सामान के प्रति सचेत रहें। सामान चोरी होने का या गायब होने का अंदेशा बनता है। कल की अपेक्षा आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। व्यावसायिक पक्ष में किसी सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति की भूमिका सकारात्मक होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। बैंक से ऋण लेने का समय अनुकूल है। प्रयास करें। पत्नी का स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। मित्रों से सहयोग बना हुआ रहेगा। आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा है। आज शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। काम करने में सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मामले में अनुकूलता बनी हुई रहेगी। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। संतान के प्रति आपका विश्वास बढ़ा हुआ बना रहेगा। आज देव दर्शन के योग हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आज कार्य व्यवसाय में उत्थान का योग चल रहा है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आप अव्वल रहेंगे। कुछ नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो भी करियर के प्रति कुछ अच्छा होने वाला है। संतान के प्रति दायित्व बढ़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है। किसी उत्सव में संबंधियों के साथ शामिल होने का योग है। वाद विवाद के मामले में समय अनुकूल चल रहा है। इन सारी बातों से अलग खास तौर से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मित्र बंधुओं से और पारिवारिक सहयोग बना हुआ है। धार्मिक गतिविधियों में समय बीतेगा। संतान के प्रति चिंता बनी हुई रहेगी। आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल चलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी करने वाले व्यक्ति आज खास सावधान रहें। आज पत्नी का सलाह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आर्थिक, शारीरिक और व्यावसायिक पक्ष आज आपका अनुकूल है। परिवार में खुशी और हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। कुछ महत्वपूर्ण निवेश के लिए समय अनुकूल है। मित्र बंधुओं से सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबंधी चिंता बलवती रहेगी। शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग आपके ऊपर बना हुआ है। प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। घर गृहस्थी संबंधी वस्तुओं में वृद्धि होगी, मगर व्यावसायिक चिंता बनी रहेगी। शाम तक का समय अनुकूल सिद्ध होगा। अचानक लाभ संभव है। देव दर्शन के योग बने हुए हैं। बड़े काम और बड़ी खुशी के इंतजार में छोटे छोटे एंजॉय के पल नज़रअंदाज ना करें। मन को बोझिल ना होने दें। आपका समय अनुकूलता की तरफ बढ़ रहा है। धैर्य रखें। हर एक काम क्रमशः होते जाएंगे।
परिवार और बच्चों पर अच्छे कामों में खर्च की संभावना बनती है। प्रयास सार्थक होंगे, आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करते रहें। आपकी अभी की मेहनत आगे के लिए मिसाल कायम करेगी। फल की चिंता ना करें, व्यावसायिक बुलंदियों को हासिल करने के लिए समय साथ दे रहा है। प्रयास सार्थक होंगे, व्यावसायिक आर्थिक और सामाजिक पक्ष अनुकूल रहेगा। किसी वाद विवाद में अपना समय नष्ट ना करें, सार्थक पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और समय का सदुपयोग करें। आज आपकी वाणी में सौम्यता परिलक्षित होगी। मन के विचारों को व्यावसायिक रूप से क्रियान्वित करें, लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग बरकरार है, आय पक्ष मजबूत रहेगा, आर्थिक मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। संतान और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, केसर का टीका लगाकर पूजा प्रारंभ करें, अनुकूलता मिलेगी। आपके कार्य व्यवसाय को सुदृढ़ करने या विस्तार करने का योग बना हुआ है, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। परिवार या सगे संबंधियों पर खर्च की स्थिति बनी हुई है, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। परिवार व घर गृहस्थी पर खर्च की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। आज आपके प्रयास सार्थक होंगे, अपनी कार्य क्षमता पर भ्रमात्मक प्रश्न चिन्ह न लगाएं। पहले से रुके हुए काम के संपन्न होने का योग बना हुआ है। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।